मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर अपने बयान दिए। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो दिवासपान है, स्वर्ग में विचरण करने में क्या बुराई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि कमलनाथ बातचीत करें। उन्होंने कहा कि कमलनाथ क्यों बार बार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे, उन्हें कांग्रेस में मध्य प्रदेश छोड़ने की कौन मजबूर कर रहा है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने पेगासस मामले को लेकर बयान दिया और कहा कि क्या कमलनाथ पेगासस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि प्रमाण न देकर बारीकियां बता रहे हैं। देवा स्वप्न है और देवा स्वप्न में स्वर्ग में विचरण करने में क्या बुराई है। हमारे यहां भी कुछ इस तरह की गलत फहमियां लोग पालते हैं, जब आते हैं तो ठीक हो जाते हैं, ये भी इस बार ठीक हो जाएंगे। बताओ, ये तीसरी बार कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। अब खोजने वाली बात यह है कि इन्हें कांग्रेस में मध्य प्रदेश छोड़ने को मजबूर कर कौन रहा है। ये शोध का विषय होना चाहिए और सोच का विषय होना चाहिए, और ये चिंता का विषय भी है और चिंतन का विषय भी होना चाहिए कि इनको मजबूर कौन कर रहा है। पेगासस के ब्रांड एम्बेसडर हैं क्या कमलनाथ जी? मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि प्रमाण एक भी नहीं दिया और बारीकियां इतनी बता दी। ये उसके यूजर रहे हैं, ये उसके निर्माता हैं, निर्देशक हैं, सप्लायर हैं, क्या थे ये, इतनी जानकारी कैसे? ये वो शख्स हैं जो महान भारत को बदनाम भारत कहते थे। ये वो शख्स हैं जो लाशों की गिनती लाखों से ऊपर मध्य प्रदेश में बताते हैं, अब कहते हैं कि टिकट उन्हें देंगे जो लाशें गिन के लाएगा। देवा स्वप्न है और देवा स्वप्न में स्वर्ग में विचरण करने में क्या बुराई है। हमारे यहां भी कुछ